हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आज देखने वाले हैं ZSS या जीरो स्पीड स्विच और इलेक्ट्रॉनिक स्पीड स्विच कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे करना है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका सेटिंग कैसे करता है। ZSS का मेनली दो कंपोनेंट्स होता है, एक उसका कंट्रोलर और इसका सेंसर है। सेंसर जो भी इक्विपमेंट होता है उसका जो मूवमेंट है उसको सेंस करता रहता है, और इसका कंट्रोलर में इसका सेटिंग या जो प्रोग्रामिंग रहता है उसका कनेक्शन वगैरह सारे कंट्रोलर में ही होता है। हमारे पास अभी एक Joyce 3 कंपनी का जीरो स्पीड कंट्रोलर है, जो हम लोग इसका अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैक्सिमम सब जितना भी ZSS है सारे कंट्रोलर एक ही जैसे रहते हैं, थोड़ा सा आपको उसकी साइज और थोड़ा सा नेमिंग में थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप देख लेते हैं, पहले जो 1, 2, 3 जो टर्मिनल है अब देख रहे हैं, एकदम फास्ट में 1, 2, 3 टर्मिनल है। 1 जो होता है एकदम 1 जो होता है ये 0 वोल्ट है, और बीच में 2 नंबर 110 और 3 नंबर 220 या 240 है, और बाद में आप 4 पॉइंट है आपका कॉन्टेक्ट है, इसमें 2 NO 2 NC आपको जो आप सर्किट में जो यूज़ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप यूज़ कीजिए। और जो पीछे देख रहे हैं ये आपका सेंसर का है, पहला वाला पॉजिटिव और बीच में जो वाइट वाला वो नेगेटिव है, और ग्रीन जो है फीडबैक का है उसका। और इसमें और 3 तो सेटिंग का रहता है, एक है जो स्पीड सेटिंग, तो इसमें है 0 to 100 का है, तो आपका इक्विपमेंट का स्पीड के हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे उसका जितना स्पीड है अब ये 10 तक है, मतलब ए 1 मतलब 10 है स्पीड, उस हिसाब से आप सेट करना है आपको जैसे इक्विपमेंट का स्पीड के हिसाब से। और इसमें 2 सेटिंग और है, एक है ITD इनिशियल टाइम डिले। इसमें क्या है, अब जो स्टार्टिंग का टाइम में इनिशियल में जो पल्स नहीं मिलेगा तो भी आपको इक्विपमेंट को रन रखने के लिए ये आपको जितना टाइम इसमें सेट करेंगे उस हिसाब से उतना टाइम पल्स नहीं भी आएगा तो भी सिस्टम को हेल्दी रखेगा। और दूसरा है NTD न्यूसेंस टाइम डिले। ये आपका जैसे इसका जो NTD का सिर्फ एकदम ऑपोजिट है, इक्विपमेंट रनिंग है और पल्स नहीं आया तो भी कुछ टाइम के लिए जितना आप सेटिंग करेंगे उतना तक सिस्टम को ट्रिप नहीं होने देगा, हेल्दी रखेगा। चलिए से एक हम छोटा सा जुगाड़ बनाए इसको, आपको इसमें ट्रायल करके देखते हैं। ऊपर में जो 3 इंडिकेशन है उसमें जो रेड वाला है इसको पावर का है, और ग्रीन जो है आपका रिले हेल्दी का है, जो रिले एक्टिव रहेगा तभी वो जलता रहेगा, और येलो वाला जो है ये आपका प्रॉक्सी का जो सेंसर का जो पल्स आएगा वो पल्स को जैसे जैसे पल्स आएगा ये आपको बत्ती ब्लिंक करता रहेगा। चलिए एक बार उसको पावर ऑन करके देखते हैं। अभी प्रॉक्सी को थोड़ा दूर रखा हूँ क्योंकि अभी पल्स नहीं मिल रहा है। देखिए जो इनिशियल टाइम डिले है उतना तक वो चला, उसका बाद ये बंद हो गए। अभी नज़दीक ला के ये दोबारा फिर उसको चालू करते हैं। दोबारा चालू किया हो, अभी तो रिले हेल्दी है, अभी तो दिखा रहा है पल्स भी आ रहा है। लेकिन ट्रिप हो गया, बंद हो गया क्योंकि हमारा स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, जो मोटर का भी जो स्पीड है बहुत ही कम था, तो थोड़ा कम करके स्पीड को दोबारा एक बार चालू करते हैं। अब देखिए पल्स आ रहा है, उसका येलो बत्ती जो है वो ब्लिंक कर रहा है, और रिले भी हेल्दी है तो ग्रीन बत्ती कंटिन्यू ऑन है। अब इसको थोड़ा बॉक्सी को दूर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दूर कर दिया फिर भी ट्रिप नहीं हुआ, इसलिए ट्रिप नहीं हुआ जो आपका NTD है, NTD का जो सेटिंग है वो जितना टाइम तक सेटिंग है तब तक इसको हेल्दी रखेगा। वो टाइमिंग अगर पार हो जाएगा, देखिए टाइमिंग पार होगा ये बंद करा दिया,
थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर वीडियो आपका थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा तो ज़रूर एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में रहिए। थैंक यू।